टैक्स कैलकुलेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है एक्सेस में, कैसे बनेगा सवाल यही है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो आएगा, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर मैं टैक्स लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आईडी आ रही है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ लिख देते हैं नेम अंडरस्कोर लगा के लिखूंगा ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे या टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइस आएगी तो PRICE प्राइस लिख दिया। और यहाँ पे प्राइस का जो डेटा टाइप होगा वो होगा करेंसी टाइप का, तो ये करेंसी कर दिया। अब यहाँ पे यूनिट की बात आती है तो ये यूनिट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे यूनिट का जो डेटा टाइप होगा वो होगा नंबर। और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसे डबल बना देंगे। ये देखिए ये फॉन्ट साइज जो दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर के आपको डबल पे क्लिक रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो टोटल करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 में तो आपको दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर सिंपल आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड और यहीं पर कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट कर दीजिएगा, UNIT यूनिट, ठीक है। तो प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम परसेंटेज देंगे तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको दे देना है। तो परसेंटेज देते समय आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर नंबर रखना है और नंबर रखने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट क्या रखना है, परसेंट का रखना है। क्या रखना है, तो यहाँ देखिए ये परसेंट का फॉर्मेट आएगा और ये परसेंट का फॉर्मेट आपको रखना है, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले क्या करना है, यहाँ पर इसे डबल बनाना है, ये जो है ना इसे डबल बना लीजिएगा, देन यहाँ परसेंटेज कर दीजिएगा। तो ये परसेंटेज आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे टैक्स अमाउंट आएगा, टैक्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज की जगह टैक्स परसेंटेज कर देते हैं, TAX टैक्स परसेंटेज, और यहाँ टैक्स अमाउंट AMOUNT टैक्स अमाउंट हो गया। अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो यहाँ लिखते हैं टोटल और इसको बंद करके मल्टीप्लाई बाई, अब क्या करना है टैक्स परसेंटेज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं TAX टैक्स परसेंटेज, PARCENTAGE टैक्स परसेंटेज हो गया। और टैक्स परसेंटेज देने के बाद ओके कर देना है और यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये दिखेगा कैसे हमें, तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, जैसे मान लीजिए शुगर कर दिया हमने, और यहाँ पे प्राइस डालेंगे 40 रुपए किलो, ठीक है। और यूनिट कितना, 6 किलो, 6 किलो के हिसाब से 240 रुपए आ गए। अब इस पे 5% का मान लीजिए GST लग रहा है, तो 5% के हिसाब से 12 रुपए कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे पल्स करते हैं, PULSE पल्स, ठीक है। और मान लीजिए कि पल्स है आपका 100 रुपए किलो या 110 रुपए किलो, और यहाँ पर 20 किलो पल्स की बात हो रही है, यहाँ पे 5% लगेगा टैक्स। तो यहाँ देखिए 110 रुपए कैलकुलेट होकर आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला कर लेते हैं यहाँ पे RICE राइस, तो राइस है 40 रुपए किलो और यहाँ पे 60 किलो चावल की बात हो रही है और टैक्स तो 5% रहेगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए आप फॉर्म बना लेंगे तो और भी ज्यादा कन्वीनियंट वे हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ से क्रिएट पे जाके आप फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है फॉर्म विजर्ड, तो विजर्ड से जाना ज्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से, तो हम लोग विजर्ड से ही चलेंगे और ये सारी डिटेल ले करके एक आईडी को छोड़ देंगे खाली। यहाँ से आईडी छोड़ देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से इसे मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये मॉडिफाई करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा देंगे और हटाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है और यहाँ से जा करके क्या करना है, ये देखिए ये यहाँ से इसको छोटा बड़ा करेंगे, ये देखिए ये हो गया और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही दिख रही हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यहाँ। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। आप अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर सारी चीजें बहुत क्लियर कट दिखाई देंगी आपको, ये पल्स है, जो भी चीज देखनी होगी यहाँ से देख सकते हैं सीधा सीधा। अब इसको सेव तो कर ही लिया हमने, इसको यस कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए रिपोर्ट भी डिजाइन करी जा सकती है। रिपोर्ट डिजाइन करने से पहले हम चाहते हैं एक कॉम्बो बॉक्स बनाया जाए, तो कॉम्बो कैसे बनाएंगे, देखिए कॉम्बो बनाना बड़ा आसान है। यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हैं और यहाँ पर हम कॉम्बो इंसर्ट कराएंगे, तो यहाँ पे जाकर के ये है हमारा कॉम्बो और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा देंगे, सिंपल ऐसे ड्रैग करवाएंगे। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन है, देख सकते हैं, तो ये लास्ट ऑप्शन वाले पे टिक करके आगे बढ़ेंगे और आईडी के बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे, आईडी के बेस पे, ठीक है।
और ये सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। और यहाँ पर इसका कलर वगैरह थोड़ा प्रॉपर कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तो कलर भी अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये टू हो गया, तो टू वाला डिटेल आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो जाएगा, इसके लिए आप रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।